बताइए कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे। ध्यान से जरा सुनिएगा, एक स्टैंड, दूसरा स्टैंड। एक स्टैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 500। दूसरे स्टैंड में कितने हैं? 500। मैंने एक स्टैंड के लिए कैलकुलेट किया था, एक स्टैंड के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने आ जाएंगे? -1। याद आया? बोलिए भाई, मुझे बनाना पड़ेगा। यह है फॉस्फेट, यह है शुगर, यह है बेस, यह है फॉस्फेट, यह है शुगर, यह है बेस, यह है फॉस्फेट, यह है शुगर, यह है बेस। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 1, 2, 3। ये बताइए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने हुए? एक दो। तो एक धागे में कुल कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे? जितने न्यूक्लियोटाइड्स? -1। ओके, बोलिए, समझ में आ रहा? मोनिका, स्नेहा, सर ठीक है? तो मैं कह रहा था कितने आफरा, बोलिए आफरा। ये मैं कह रहा था ठीक डाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे। देखिए, एक डाइस्टर बॉन्ड ये, एक डाइस्टर बॉन्ड ये। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 3। डाइस्टर बॉन्ड्स कितने हैं? 2। तो मैंने फॉर्मूला क्या निकाला, 3 - 1 इज इक्वल टू दी 2। अगर इसमें 500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो बताइए कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे? 499, एक स्टैंड में। इस स्टैंड में कितने होंगे? 499। ओके, तो हो जाएगा टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बताइए कितने होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने होंगे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हो जाएंगे 499 + 499, दोनों स्टैंड्स का जोड़ के बता रहा हूँ, 998 हो जाएंगे, 998 हो जाएंगे। तब मैंने आपसे बहुत सारी चीजें पूछी थी और कल क्वेश्चन पूछा था, वो ये ले लिया। फिर से बात हम मैं लौट के आते हैं डीएनए, डीएनए और कह सकते हैं डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। यहीं से शुरू करता हूँ। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल है एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट है, और आगे यहाँ पे एक बात और है, एंड एंड रिमेंस कॉन्स्टेंट, और इन ईच सेल ऑफ स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग की हर सेल, चाहे किसी की भी ले ली जाए, कोई भी सेल ले ली जाए, स्किन है, कार्डियक है, ब्रेन सेल है, लीवर सेल है, किडनी सेल है, सब में कांस्टेंट रहेगा, कॉल्ड कॉल्ड, याद है कुछ है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सी वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? सी वैल्यू। याद है डीएनए का अमाउंट हमेशा रिमेंस कांस्टेंट, कॉल्ड क्या कहते हैं इसे? सी वैल्यू, सी वैल्यू कहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। बोलिए भाई, हिमांशु, मोहिनी, सी वैल्यू कहते यस हैं, सी वैल्यू कहते हैं। और एक बात यह है, दूसरी बात यह है, लेंथ ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेंथ ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस पेयर और बेसेस। और जब आप बेसिस कह रहे थे तो न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। जब आप बेसिस कह रहे थे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। जब आप बेस पेयर कह रहे थे तो कैसा था डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कैसे दिखाते हैं? बेस पेयर में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को किसमें? बेसिस में दिखाते हैं डीएनए के बारे में। अब आप फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, वही मैं नोट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। कह रहे हैं ह्यूमन डीएनए, ये जो डीएनए हो, ह्यूमन डीएनए दैट इज
6.2 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स है और ये डीएनए है। कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम में कुल डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 6.2 into 10 to the power 9 बेस पेयर। इसके अलावा जो है दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है कि लैम्डा फेज एक वायरस है, लैम्डा फेज एक वायरस है, 48,500 बेस पेयर्स दिया हुआ है, बेस पेयर्स दिया हुआ। जल्दी से बताइए लैम्डा फेज का डीएनए कैसा है? लैम्डा फेज का डीएनए कैसा है? तो लैम्डा फेज का डीएनए डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। डबल जैसे बेस पेयर का, देन इट इज डबल स्टैंडर्ड। एक बात और है, एक वायरस है फाई 174 वायरस, इसके बारे में दिया हुआ है कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स जैसे बता देते हैं, ये कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये तो एक आपको एज इट इज पूछा जाना है, एज इट इज। एक और आपको बता दें, एस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में कितना डीएनए है? 4.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 बेस पेयर। ये बताइए, ये जो ई कोलाई है, ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट। ये जो ह्यूमन सेल है, ये कैसी है? यूकैरियोट है, यूकैरियोट है। तो क्या एक क्वेश्चन ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि आपसे पूछो कि ये बताइए, ह्यूमन डीएनए की लंबाई का रेशियो ई कोलाई के डीएनए के लंबाई से कितना है? ये कितना है? 10 to the power 9। ये कितना है? 10 to the power 6। 10 to the power 9 और 10 to the power 6, जल्दी से बताइए क्या रेशियो आया? 10 to the power 9 is to 10 to the power 6। और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1000 is to 1। बताइए बैक्टीरिया के डीएनए से हमारी सेल का डीएनए कितना लंबा है? बोलिए निशा, बैक्टीरिया की सेल से हमारा डीएनए कितना लंबा है? 1000 गुना। हमारा डीएनए कितना लंबा है? 1000। अरे हमारा डीएनए कितना है? 10 to the power 9। बैक्टीरिया का डीएनए कितना है? 10 to the power 6। तो हमारे डीएनए और बैक्टीरिया के डीएनए में कितनी लंबाई का डिफरेंस है? 1000 गुना, 1000 times। ओके, 1000 times। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं दूसरा क्वेश्चन, यूकैरियोटिक डीएनए और का रेशियो बताइए प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो आप कहोगे यही लिख देंगे, यूकैरियोट ह्यूमन बीइंग में 10 to the power 9, और ये हो जाएगा, तो ये भी रेशियो क्या आ जाएगा? 1000 is to 1। तो क्वेश्चन बताइए, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल से डीएनए से कितना लंबा है? 1000 times। कितना लंबा है? 1000 times। तो इट इज 1000 times लॉन्ग है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इट इज 1000 times लॉन्ग। ओके, एक और पॉइंट आप क्लियर करिए हमें कि ये और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए का, तो आपको आज क्या क्या डाटा याद करना पड़ेगा? अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ तो इसका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर बेस पेयर्स दिया हुआ तो इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बताइए ह्यूमन सेल में कितना डीएनए होता है? 6.2 × 10⁻¹¹. बताइए एक वायरस है लैम्डा फेज 48,502, एक वायरस है 5174, कितना? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। इट मींस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये बताइए ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स है, तो ये क्या है? और इस वजह से तो ह्यूमन डीएनए और इसका कंपैरिजन, ये याद रखेगा हमारा डीएनए 1000 गुना ज्यादा लंबा है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए से। ओके, और ये था एक डीएनए। अब आपको जरा दो तीन पॉइंट्स बताएं, डीएनए
डीएनए इज मॉर्फोलॉजिकली देखने में मॉर्फोलॉजिकली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह का डीएनए होता है मॉर्फोलॉजिकली, तीन तरह का डीएनए होता है। और कहीं हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था, मैं रिपीट कर दूंगा, ये एक डीएनए है और ये दिस इज डीएनए और डीएनए है, दिस इज कॉल्ड, ये डीएनए कहा जाता है कि डबल स्टैंडर्ड और क्या हेलिकल डीएनए विद फ्री टर्मिनल्स और उसके टर्मिनल्स कैसे हैं, फ्री टर्मिनल्स हैं। ये डीएनए है, जरा इसको इस तरह से देखते हैं, ये एक रस्सी जैसा डीएनए है और रस्सी जैसा डीएनए है, इसका एक टर्मिनल ये फ्री है, एक टर्मिनल ये फ्री है। तो मैंने कह दिया डबल स्टैंडर्ड घुमावदार डीएनए है लेकिन उसके टर्मिनल्स कैसे हैं, फ्री टर्मिनल्स आर फ्री। दूसरा पॉइंट मैंने, अब आप आगे देखें, अगर इसी डीएनए को यूं घुमा के हम जोड़ दें, इसी डीएनए को अगर हम यूं जोड़ दें तो नाउ इट बिकम्स अ सर्कुलर डीएनए, इस तरह से ये सर्कुलर डीएनए हो जाएगा। तो इस डीएनए, तो जो दूसरा डीएनए होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एंड नाउ ये डीएनए है, दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए। और डीएनए एक डीएनए और होता है और वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये कैसा डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड, और कैसा था, सर्कुलर, और उसके टर्मिनल्स क्लोज्ड हैं या फ्री हैं, अनंत क्लोज्ड हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम मैंने रख दिया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज डीएनए। अगर मैं इस डीएनए के बारे में पूछूंगा तो क्या कहोगे, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए। इस डीएनए और इस डीएनए में सिर्फ दो ही, एक ही फर्क है, इसमें दो धागे हैं, इसमें एक धागा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके बारे में मैं थोड़ी बातें अभी आपको लिखूंगा, लेकिन मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको कह दूं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कह दूं कि, और ये कह दूं कि जो है एक पॉइंट में ये है, आप लिख लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज नेवर विद फ्री टर्मिनल। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्री टर्मिनल का नहीं होता कभी भी, वरना डीएनए चार तरह का हो जाता। अरे भाई ये क्या था, डबल स्टैंडर्ड विद फ्री टर्मिनल, सिंगल स्टैंडर्ड विद फ्री टर्मिनल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद फ्री टर्मिनल का नेचर में नहीं पाया जाता। क्या मैंने लिखा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज नेवर विद फ्री टर्मिनल, ये कभी फ्री टर्मिनल का नेचर में मुझे नहीं मिला। एक बात और, क्या मैं ये लाइन कह दूं, अगर सही होगा तो बताइएगा, नहीं तो गलत होगा तो कट कर देंगे। सर्कुलर डीएनए मे बी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। गलत है या सही है स्टेटमेंट, बोलिए। सही है सर। सही है, और ये कैसे सही हो गया, क्योंकि हमने देखा सर्कुलर वाला जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड भी था, सिंगल स्टैंडर्ड भी था। ओके, एक बात दूसरी, अब जरा मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट, आप कहोगे एग्जाम्पल बताइए, सिंगल स्टैंडर्ड वाला एक एग्जाम्पल तो अभी हमें मिला था, ये वाला बोलिए, इसका 5174 का डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो पहले मैं सिंगल स्टैंडर्ड के बारे में लिख रहा हूँ, found in some viruses only, viruses only, for example, pi 174 virus, single standard DNA सिर्फ और सिर्फ कुछ viruses में पाया जाता है। Double standard DNA के बारे में आप ये बात जरा इम्पोर्टेंट करके समझिएगा, विदाउट हिस्टोन,
विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है। एक बात है, और कहाँ पाया जाता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कॉमा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो डीएनए है, डीएनए है। अच्छा, एक सवाल बताइए, जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर वेरी सिमिलर टू द बैक्टीरिया, किस विहाब पे कहा था, याद करके बताइए, किस विहाब पे कहा था? बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन है, तो दोनों का डीएनए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है वो सिमिलर है किसके, न्यूक्लियर डीएनए के कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से क्या सिमिलरिटी है, तो आप कह देंगे कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन इन प्रोकैरियोट्स, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक कह रहे ना? यस सर। बोलिए, तो ये विदाउट हिस्टोन, यहाँ पे एक पॉइंट बताइए, यहाँ एक पॉइंट बताइए, ये कहाँ पाया जाता है? इट इज इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में कि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में, विद किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के, विद हिस्टोन्स कॉल्ड, और इसको कहते क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कहते हैं। तो व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमैटिन, बोलिए। डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, और अगर हिस्टोन ना हुआ तो डीएनए को क्या कहेंगे? क्रोमैटिन नहीं कहेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, एक यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, दूसरा क्वेश्चन बताइए, एक यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं, बोलिए। हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट, एब्सेंट। ओके, चलिए कुछ छोटे छोटे जरा दो तीन सवाल बताइए, तब बात को आगे बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन बताइए, सर्कुलर डीएनए फाउंड इन कहाँ पाया जाएगा? पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन दिया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, दूसरा ऑप्शन दिया वायरसेस, तीसरा ऑप्शन दिया क्लोरोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज, बोलिए। ऑल ऑफ दीज सब में पाया गया। यही सवाल मुझे दोबारा बताइए, पहला ऑप्शन प्रोकैरियोट्स, पहला ऑप्शन प्रोकैरियोट्स, दूसरा ऑप्शन यूकैरियोट्स, दूसरा ऑप्शन यूकैरियोट्स, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन, बोलिए। तब क्या कहोगे? बोथ। कैसे बोथ कह दिया आपने? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? They are found in eukaryotes. चलिए एक सवाल और बताइए, पहला ऑप्शन प्रोकैरियोट्स, दूसरा ऑप्शन यूकैरियोट्स, तीसरा ऑप्शन एनिमल्स, चौथा ऑप्शन प्लांट्स। अब बोलो भाई,
यूकैरियोट then prokaryotes yeah it is a characteristic of prokaryotes वो तो यूकैरियोट्स की तो characteristic ये है लेकिन थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता बोलिए यस सर यस सर एक क्वेश्चन और जल्दी से बताइए सारा डिस्कशन सुनने के बाद जल्दी से बताइए ये डबल स्टैंडर्ड विद थ्री टर्मिनल वाले के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती वायरस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है क्या मैं एक लाइन ये कह दूं सर्कुलर डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन फिर से बोलिए सर्कुलर डीएनए के साथ कभी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है नहीं ये बताइए वायरस में हिस्टोन प्रोटीन होती है नहीं बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होती है नहीं कहाँ पाई जाती है न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर है या फ्री टर्मिनल का है फ्री टर्मिनल का है ओके ना तो जल्दी से मुझे आगे बढ़ाइए विद हिस्टोन प्रोटीन और नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन बट लेकिन जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको एक एक करके बताऊं और यह है पहला पॉइंट आप लिख लेते हैं कि जो है हिस्टोन्स आर प्रेजेंट विद सर्कुलर डीएनए विद डीएससीसी डीएनए इन सम प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जाम्पल बताइए फॉर एग्जाम्पल अनंत निशा कोई नहीं बता रहा सम प्रोकैरियोट्स मेरी आवाज नहीं आ रही या बता नहीं रहे हो आवाज आ रही है यस सर चलो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आर्किबैक्टीरिया कुछ याद आया आफरा 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 तो कह देंगे तब हम थे ही नहीं मैं पढ़ा रहा था आर्किबैक्टीरिया आप थी आफरा बोलिए मैंने लिखा है आर्किबैक्टीरिया में एक्सेप्शनली क्या पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो ये याद रखिएगा फिर से बताइए प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन पाई जाती है नहीं पाई जाती है आंसर करिए नो नहीं बताइए इन ऑल प्रोकैरियोट्स हिस्टोन्स आर एब्सेंट गलत या सही गलत एक्सेप्शनली हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स एग्जांपल बताइए आर्किबैक्टीरिया ये क्वेश्चन आपसे 2008 में पूछा गया 2013 में पूछा गया सुनिए कि आर्किबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स बट हैविंग सम कोर प्रोटीन्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स आफरा मेरा सेंटेंस सुनिए निशा सेंटेंस मेरा सुन रही है यस सर सेंटेंस मेरा क्या है आर्किबैक्टीरिया हैव सम कोर प्रोटीन्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स दीस प्रोटीन्स आर कौन सी प्रोटीन्स है स्टोन्स कौन सी प्रोटीन्स स्टोन्स आप सुनिए स्टोन्स है भाई ये हिस्टोन किसमें पाया जाता है यूकैरियोट में इसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट में लेकिन आर्किबैक्टीरिया में यूकैरियोट जैसी कुछ प्रोटीन्स होती हैं क्या नाम दोगे आप स्टोन्स किस प्रोटीन की तरफ बात कर रहा हूं मैं हिस्टोन्स की ये क्वेश्चन आपको क्लियर आ गया अब एग्जामिनर कुछ भी इशारा करके पूछ सकता है और ये दूसरी एक बात और आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई एक्सेप्शनल प्रोकैरियोट बताइए जिसमें हिस्टोन पाए जाते हो
आर्किबैक्टीरिया। आपसे पूछा जाएगा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें सर्कुलर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हूँ। आर्किबैक्टीरिया। एक क्वेश्चन और हिस्टोन प्रोटीन्स है। एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पोर्टेंट लिखना चाह रहा हूँ और वो भी सुनिए और इम्पोर्टेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। एक पॉइंट और लिखे इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन और एनी प्रोटीन। यानी आप सोच रहे हो हिस्टोन ना हो कोई और प्रोटीन हो, विद एनी प्रोटीन। फिर से बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी होती है, क्या कोई और प्रोटीन जुड़ी होती है? नो। और ये तीसरा पॉइंट जो लिखने जा रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट है। सुनिएगा इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज अटैच्ड विद ए बेसिक प्रोटीन called polyamines, but not histone। याद रखिएगा। फिर से बताइए यहाँ पे यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद विच प्रोटीन? पॉलीएमाइंस। यूकैरियोटिक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड है। दूसरी बात बताइए प्रोकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद पॉलीएमाइंस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डीएनए किससे एसोसिएटेड है? किसी प्रोटीन। अब क्वेश्चन नहीं बताते क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो एसोसिएटेड है किससे? पहला लिखा रहेगा हिस्टोन, दूसरा लिखा रहेगा क्या कहते हैं पॉलीएमाइंस, तीसरा लिखा रहेगा बोथ, चौथा लिखा रहेगा नन। बोलिए क्या करेंगे? नन। और अगर यही बात आ जाए प्रो बैक्टीरिया का डीएनए किससे एसोसिएटेड है तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइंस। आप मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलते जाइए भाई। यस सर। डीएनए ये बताओ सकल सूरत देख के डीएनए कितने तरह का होता है? तीन तरह का। कौन कौन सा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ओके यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके एक रिमार्क लिख लेते हैं और इसको हम समझेंगे बाद में। आप लिख लेते हैं कि चारगाफ रूल को किसी को आइडिया है? मोहिनी बस सुना से लग रहा है लेकिन याद नहीं। आफरा सुना से लग रहा है? अमन हिमांशु कुछ सुना सा किसी को नहीं लग रहा है। ईशा श्रीश तुम सो जाते हैं। हाँ श्रीश कुछ बोलो। ATG is less than 1। ये नहीं जी तुम उल्टा कर दिए। बेस्ड ऑन डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड
डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए की आरएनए, आप कहोगे डीएनए ही होगा, आरएनए कहाँ होगा, बट नेवर ऑन सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड पे चारगाफ रूल लागू। चारगाफ रूल क्या है ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बताइए चारगाफ रूल इस पे लागू होगा कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। चारगाफ रूल इस पे लागू होगा कि नहीं? यस, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। चारगाफ रूल इस पे लागू होगा कि नहीं? नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड पे लागू नहीं हो सकता। क्यों? सिंगल स्टैंडर्ड के लिए ये रूल ही नहीं बना। सिंगल स्टैंडर्ड के लिए ये रूल ही नहीं बना, और ये रूल नहीं बना। आप मेरी बात समझ गए? सिंगल स्टैंडर्ड के लिए ये रूल नहीं है। और इस तरह से बोलिए भाई, yes, तो ये लागू नहीं होता। चलिए इतनी बातें हो गई। और इस तरह से एक बार फिर से डीएनए की स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, और डीएनए की स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ओके, डीएनए की स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है मुझे, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। आई एम नॉट, अभी कब आओ? 11 बजे मैं क्लास छोड़ूंगा, अभी क्लास ले रहा हूँ, तब चलेंगे। हाँ, 11:15। तो मैं कह रहा था ये डीएनए की स्ट्रक्चर। बोलिए, ये बताओ अनंत। यस सर। किसके घर के पास कोरोना का पेशेंट कोई मिला? नो सर। सर आपके घर के पास? हैं, किसके घर के पास? आपके घर के पास। सिद्धार्थ बोल रहे हो? यस सर। तुम्हारे यहाँ भी तो मिला, तुम्हारे यहाँ भी तो मिला बेटा आज एक। यस सर। एक तुम्हारे यहाँ मिला, एक हमारे यहाँ मिला। आज हमारे घर के सामने एक मिला है, इनके घर के सामने भी मिला। निशा? निशा? यस सर। आपकी तरफ कोई कोरोना पेशेंट मिला? नहीं सर, हमारी सिटी में तो मिला नहीं अभी तक। चलो तब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। या हमें लगता है कि आप देखने से वो कोरोना पेशेंट देखने का भी आनंद आता है। यस सर। या उसको लोग ले जाते हैं दूर से, कहते हैं चलो बैठो बैग लेकर, और ये वो, तो बड़ा आनंद आता है उसका। Yes, sir. तो ये आनंद आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें मिला, कल मैंने देखा। आज सिद्धार्थ तुमने ले जाते देखा? यस सर। हाँ, तो हमने तो वीडियो भी बनाया। तो डीएनए स्ट्रक्चर, अब हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, डीएनए स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए स्ट्रक्चर पे पहले तो ये बताइए, डीएनए का आप लिखे द फर्स्ट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, किसने दिया था? वाज गिवन बाय, बोलिए। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा 1953, कॉमा करके लिखिएगा 1962, और 62 पे स्टार बनाइएगा। व्हाट डू यू मीन? नोबेल प्राइज। इन्होंने मॉडल दिया था 1953 में, और नोबेल प्राइज मिला कब? 1962। बताइए डीएनए मॉडल के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? 1962 में। डीएनए मॉडल के लिए वॉटसन एंड क्रिक ने दिया कब था? 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन मैं थोड़ी सी इस मामले में आपको थोड़ी स्टोरी बता दूं। ये वॉटसन है और क्रिक हैं। एक और साहब थे विल्किंस। तीन लोग थे।
इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1968 में, इन 1962 में नोबेल प्राइज तीन लोगों को मिला था। तीन लोग कौन कौन से थे? वाटसन, क्रिक और विल्किंस। किस बात के लिए मिला? डीएनए की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डीएनए के लिए। जल्दी से मैं आपको एक बात बताऊं डीएनए के बारे में। ये 1953 तक मुझे डीएनए के बारे में बहुत पता था, लेकिन डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है ये नहीं पता था। अभी तीन चार दिन पहले मैं इंस्टीट्यूट पे बैठा हुआ था, तो मुझसे कई लोग कह रहे थे कि आजकल लोगों में इंडिया में कंफ्यूजन है कि कोरोना है भी कुछ की नहीं है। ऐसा किसी से कहते सुना? यस सर। लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं कोई चीज, ये सब बेकार की बातें। वो लोग बहस कर रहे थे, तो हमसे लोगों ने पूछा कि कोरोना है भी कि नहीं आप, तो हमने कहा देखा तो मैंने भी नहीं है कोई पेशेंट, अब ये अलग बात है। लेकिन कल अब हमने देख लिया तो अब हमें एकदम लगने लगा कि कोरोना का पेशेंट होता है। और ये तो सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा था, 1953 तक हमें डीएनए के बारे में तो पता था। जैसे मैं आपसे कहूं कि भूत देखा है तो कोई कहेगा नहीं देखा, मैं पूछूं भूत होता है तो कहेंगे होता तो है। अनिका बोलिए, भूत आपने देखा? नहीं सर। भूत होता है सर? कहते तो है। हाँ कहते तो है, होता तो होगा, ठीक कह रहे ना। वैसे डीएनए के होता है, डीएनए के बारे में ढेर सारी जानकारी भी थी हमारे पास, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर कैसी होती है ये मैं नहीं जानता था। कब तक? 1953 तक। उससे 5 साल पहले की बात आपको बताएं, वाटसन करीब 18-19 साल की उम्र में अमेरिका से लंदन पढ़ने आए, और क्रिक उनके टीचर थे। क्रिक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत क्रिक आदमी थे, उनका नाम ही क्रिक था, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते थे। और ये तो वाटसन को उन्होंने, ये 70 साल की उम्र में क्रिक और वाटसन को जैसे ही देखा, कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे पास इंटर करके पढ़ने चले आए, तुम जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा प्रोफेसर हूँ। जैसे कोई बच्चा मेरे पास आ जाए क्लास 4th का और कहे हमें पढ़ा दीजिए साइंस, दौड़ा लूंगा कि जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा टीचर हूँ। बोलिए। yes, तो वाटसन और क्रिक ने वाटसन को लगभग भगा दिया, कहा अच्छा सुनो अगर पढ़ना चाहते हो तो एक काम करो, ये हमारी अलमारी में 1 दर्जन किताबें हैं, मैंने ही सब लिखा है, 1 किताब किसी और ने लिखी, 11 मैंने ही लिखी है, इन किताबों को ले लो, एक कमरा किराए पे ले लो, बैठ के पढ़ो और डीएनए का मॉडल बना के लाओ। ये वैसे ही हो गया जैसे हम लोगों को क्लास 11, 12, 9, 10th में प्रोजेक्ट मिलता था, याद है ना? हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट से कॉपी कर देते थे। लेकिन उस समय तक इंटरनेट पे डीएनए की कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, उस समय तक इंटरनेट नहीं था, डीएनए के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि कैसा दिखता होगा ये। तो 5 साल स्टडी किया वाटसन ने, डीएनए का एक मॉडल बनाया। डीएनए का जब मॉडल बनाया तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्रिक के पास ले जाएं। इनके बगल में 4 लोग रहा करते थे, 4 लोग रहा करते थे, एक थे विल्किंस, एक थे जो है रसेल, एक थे एस्टाबरी थे, और एक और थे क्या नाम है, और फ्रैंकलिन। ये चारों हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन थे, तो वाटसन ने अपना मॉडल ले जाके इन चारों को दिखाया, पड़ोसियों को। जब पड़ोसियों को दिखाया तो इन लोगों ने कहा देखो हम लोग नौकरी करते हैं, अच्छा खासा जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, हम तुम्हारा मॉडल नहीं देखेंगे, हमें फंसाओ नहीं। तो विल्किंस ने कहा
तीनों चारों ने मना कर दिया। तो विल्किंस ने कहा कि अच्छा देखो, हमें किसी दिन मौका मिलेगा तो हॉस्पिटल में एक पेशेंट की सेल से डीएनए निकाल के एक्सरे लेके देख के तुम्हें बताऊंगा कि कैसा डीएनए दिखता। किसने ये बात कही? विल्किंस ने। लेकिन विल्किंस अपनी बात कहके भूल गया। फ्रैंकलिन को याद था कि विल्किंस ने ये बात कही है, तो फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए निकाल के चेक किया, उसका एक्सरे लिया और विल्किंस को बताया कि वो जो लड़का पड़ोस वाला आया था वॉटसन, उसका मॉडल ठीक लग रहा है। स्नेहा सुन रही है? तो विल्किंस ने वॉटसन को बुला के बताया कि तुम्हारा मॉडल ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। बताया किसने? विल्किंस ने बताया। और यह है, तो वॉटसन ने विल्किंस से कहा कि आप थोड़ा बुजुर्ग लगते हैं, हमारे साथ चलिए क्रिक के यहाँ चले चलिए, हमें तो वो दौड़ा लेते हैं, आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो वॉटसन और विल्किंस मॉडल लेके गए किसके यहाँ? क्रिक के यहाँ। क्रिक ने देखा, कहा ये थोड़ा टेढ़ा सीधा करा दिया। फिर तब से ये मॉडल कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इन दोनों को नोबेल प्राइज क्यों दिया? डीएनए मॉडल। आपको लगता नहीं नोबेल प्राइज मिलने के बाद वॉटसन मन ही मन गुस्सा हुए होंगे? बोलो भाई। यस सर। ये सब काम हमने किया और ये बैठे बैठे नोबेल प्राइज ले गए। और विल्किंस को अगर आपसे पूछा जाए क्या काम किया था, तो मैं लिख दूंगा सपोर्टेड वॉटसन मॉडल, वॉटसन के मॉडल को सपोर्ट किया बाय एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्सरे लेके वॉटसन के मॉडल को इन्होंने ही बताया था कि ओरिजिनल डीएनए से मिलता जुलता है। बोलिए। यस सर। पहली बार एक्सपेरिमेंटली डीएनए को किसने देखा था? विल्किंस ने। किसने देखा था? फ्रैंकलिन ने। हाँ, ये तुमने सही बात कही यार, ये सही बात कही। अच्छा, नोबेल प्राइज तो विल्किंस को मिल गया और एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रैंकलिन। लेकिन फ्रैंकलिन की डेथ हो गई, विल्किंस जिंदा रहे। आफ्टर टेन इयर्स विल्किंस ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया था, किसने किया था? फ्रैंकलिन ने किया। आफ्टर टेन इयर्स विल्किंस रोट अ बुक, और उन्होंने एक बुक लिखी, रोट अ बुक, और उस बुक का नाम लिखा थर्ड मैन ऑफ डीएनए और फ्रैंकलिन। यानी मरने से पहले लोगों को बता गए कि हमें तो गलती से नोबेल प्राइज दे दिया, तो आप बताइए थर्ड मैन ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है? फ्रैंकलिन। अमन, थर्ड मैन ऑफ डीएनए कौन? हिमांशु, क्लियर है? तो थर्ड मैन ऑफ डीएनए कौन? फ्रैंकलिन इज कॉल्ड थर्ड मैन ऑफ डीएनए। ओके, ये बात फ्रैंकलिन के मरने के बाद विल्किंस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसका किया हुआ है? फ्रैंकलिन का। तो बताइए डीएनए का मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए के मॉडल को नोबेल प्राइज
डीएनए के मॉडल के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस ने. लेकिन मैन ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है? फ्रैंकलिन. ये मॉडल दिया था. और इस तरह से एक बात और बता दें, अब एक पॉइंट जरा बताते हैं. हमने कहा है हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय हेलिकल? हेलिकल हिंदी में इसको कहते हैं घुमावदार. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अमन, निष्ठा, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? घुमावदार. घुमावदार. जैसे गोल वाली सीढ़ी देखी है? यस सर. तो गोल वाली सीढ़ी यूं घुमावदार होती है. लेकिन एक बात जरा इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो. आप अपने घर की सीढ़ी देखिए, घर की सीढ़ी देखिए. कुछ सीढ़ियां होती हैं दाहिने से चढ़ना शुरू करते हैं और बाएं की तरफ मूव करते हुए होते हैं. किसी के घर की सीढ़ी होती है जो बाएं से शुरू करते हैं, दाएं घूमते रहते हैं. इमेजिन करिए. बोलिए आफ्रा. इंपल्स में जो सीढ़ी थी वो किस तरफ को घूमती थी? ऐसे कर्व हेलिकल टाइप में थी. बाएं तरफ को घूमती थी. बोलिए. नीचे से आप चढ़ते थे फिर किधर को घूमते थे? लेफ्ट ना, लेफ्ट घूमते थे. तो सीढ़ी का जो घुमाव है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड भी हो सकता और राइट साइड. राइट भी. क्लियर है भाई? तो सीढ़ी का जो घुमाव, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में भी लेफ्ट हैंडेड हो सकता है या फिर कैसा? बोलिए. राइट हैंडेड. दैट इज डीएनए इज ऑफ मेनी टाइप्स. डीएनए कई तरह का है. क्या एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ लिखा है? एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है? आफ्रा आपने तो पढ़ा है एनसीईआरटी इस बीच. एनसीईआरटी ने लिखा है डीएनए कई तरह का होता है. सुनिए, लिखा है डीएनए कई तरह का होता है और डीएनए कई तरह का होता है और उसको अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है. यानी किसी को ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जी डीएनए, पी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरह से नाम दिया जाएगा. डीएनए आर ऑफ मेनी टाइप्स. बोलिए. डीएनए के और उनके नाम कैसे होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स पे नाम दिए जाते हैं. ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, पी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरह से कुल 25 मॉडल हैं. कितने मॉडल हैं? 25 मॉडल्स हैं. तो डीएनए इज ऑफ मेनी टाइप्स नेम्ड. एनसीईआरटी वाली बात नोट कर रहा हूं. ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और एनसीईआरटी ने मेंशन किया नेम्ड एज अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे नाम दिया जाता. फॉर एग्जांपल एक है बीडीएनए, एक है बीडीएनए, एक है एडीएनए, एक है सीडीएनए, एक है एबीसी, एक है डीडीएनए और एक और है दैट इज ईडीएनए, एक और डीएनए है जेड डीएनए, एक और है पीडीएनए. अच्छा, इनके छोड़ दिया तो हमने सोचा लो थोड़ा एक्सप्लोर कर दें. उन्होंने लिखा है अल्फाबेट्स के नाम पे दिए जाएंगे. तो कौन कौन से डीएनए हो गए? ए डीएनए, बी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए, पीडीएनए और पीडीएनए. सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ. These are right-handed DNA.
ये राइट हैंडेड डीएनए है, राइट हैंडेड डीएनए है, राइट हैंडेड डीएनए है, और ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें बढ़ा के लेनी पड़ती है। ईशा आर यू क्लियर? यस सर। ओके, तो ये डीएनए, चलिए मुझे लेफ्ट हैंडेड डीएनए का मॉडल बताएं। डीएनए कितने टाइप का हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा। लेफ्ट हैंडेड डीएनए के मॉडल बताइए, बोलो भाई। स्क्रीन दिख नहीं थी? पीडीएनए, जेड डीएनए और पीडीएनए। राइट हैंडेड डीएनए का मॉडल बताइए, राइट ना? यस सर। बोलिए, चलिए जल्दी से मैं रिमार्क आपको बता दूं, जल्दी से रिमार्क बता दूं। मोस्ट कॉमन डीएनए, जल्दी से बता देते हैं, मोस्ट कॉमन डीएनए इन लिविंग सेल्स इज, लिविंग सेल्स में जो कॉमन डीएनए है इज पीडीएनए। ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा? मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भूमिका भी बना रहा हूं। अभी जब हम डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे तो कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? बीडीएनए पाया जाता होगा, वही तो पढ़ेंगे। यस सर। बोलिए, पीडीएनए, पीडीएनए। एक और रिमार्क लिखेगा, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, वही बता रहा हूँ। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि these all forms of DNA, DNA are interconvertible, किसी को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, depending on moisture, यानी सेल में पानी कितना है, moisture और hydration। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो एक डीएनए का दूसरे डीएनए में बदल जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तो एक डीएनए दूसरे डीएनए में बदल जाएगा। फिर से बताइए, डीएनए का कन्वर्जन किस विहाप पे होता है? बोलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, किस पे होता है? एक रिमार्क और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। These all forms of DNA are interconvertible. Most hydrated is pDNA. अगर पानी सेल में लबालब भरा हो तो कौन सा DNA होगा? pDNA. बोलिए, ये क्वेश्चन आजकल के गाइड्स में, आजकल के टीचर्स के नोट्स में ये सेंटेंस लिखा रहता, कहते हैं याद कर लो। फिर क्या याद कर ले, जब अंदाजा तो होना चाहिए। फिर से बताइए, अगर पानी का परसेंटेज बदलेगा तो क्या होगा? एक डीएनए दूसरे डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना? सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सिचुएशन में कौन सा डीएनए होता है? पीडीएनए। बताने को तो मैं ये भी बता सकता हूँ किस परसेंटेज पे क्या होगा, लेकिन छोड़िए, मोस्ट हाइड्रेटेड डीएनए इज पीडीएनए। ये बताइए, सेल में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा डीएनए पाया जाता है? पीडीएनए। कौन सा डीएनए सेल में होगा, कितने परसेंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मॉइस्चर या हाइड्रेशन पे डिपेंड करता। ओके, इतनी सब चर्चा मैंने क्यों किया? एक्चुअली मैं सीधे लिखा सकता था, आजकल के ज्यादातर टीचर्स ज्यादातर नोट्स में सीधे सीधे लिखा रहता और कहा जाता है याद कर लीजिए। अब सुनिए, वॉटसन गिव मॉडल ऑफ
मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन ने जो मॉडल दिया था कौन से डीएनए का दिया था? डीएनए का। ऐसा क्यों, जेड डीएनए का क्यों नहीं दिया? मोस्ट कॉमन, मुझे लगता उन्हें यही मिला ही होगा। भाई जो मोस्ट कॉमन होगा वही तो मिलेगा, ठीक कह रहे हैं? बोलो भाई। यस सर। यस, तो ये बताइए वॉटसन ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो कौन सा मॉडल था? डीएनए का। वैसे डीएनए मेरे पास होते कितने तरह के, ए है, बी है, सी है, डी है, पी है, जेड है, और इस तरह से मिला के 25 तरह के, और उनके नाम इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स पे रखे जाते हैं। ओके, यस ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। अब तो जल्दी जल्दी बात हो जाएगी, डीएनए तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। डीएनए जल्दी से बताइए, वॉटसन ने अपने डीएनए के बारे में क्या कहा? ये डबल स्टैंडर्ड है, जो जो कहा वो कह लीजिए, डबल स्टैंडर्ड है एक बात, दूसरे राइट हैंडेड कॉइल्ड है या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड कॉइल्ड है। आप तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छी आती है, आप चाहे तो कह दें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड को क्या कहते हैं बोलो भाई? एंटी क्लॉक। अच्छा, राइट हैंडेड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, एंड द लेफ्ट हैंडेड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ईशा सर, साउंड सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है सर। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, अब आवाज आ रही है। बोलो भाई। स्नेहा आ रही है ना? आवाज आ रही है लेकिन वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, माइक्रोफोन से बहुत डिस्टर्बेंस। नहीं, वाइब्रेशन हो रहा होगा, एक्चुअली मैं आज डरा हुआ हूँ थोड़ा कोरोना की वजह से। हेलो, कोरोना की वजह से थोड़ा डरा हुआ हूँ इसलिए आवाज हो सकता है कुछ कांप रही हो। नो सर, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो। आप भी डरते हैं? और क्या, कौन नहीं डरता? जो न डरता हो बताए। सीरियस नहीं डरते हो? थोड़ा थोड़ा। नहीं, अगर वो कौन है जो नहीं डरता, उसके घर के सामने मैं एम्बुलेंस भेजूं तो? मैं कह रहा था राइट हैंडेड है, बोलिए भाई। और विद फ्री टर्मिनल्स। ओके, चलिए मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा जल्दी से, ये बात आप समझ लेते हैं। और ये इसका डबल स्टैंडर्ड है, ये इसका 3-terminal, ये 5-terminal, ये 5-terminal, ये 3-terminal। क्या कह दूं यहाँ? Two stands are anti-parallel. बोलो भाई। अरे, एक 3-5, एक 5-3, तो क्या कहा जाएगा? एंटी पैरेलल। दूसरी बात, ये इसका डायमीटर कितना है, बोलिए? डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। इधर उधर ना करो, पर डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में बताओ, एंगस्ट्रॉम में। ईशा, 20 एंगस्ट्रॉम। अरे, 2 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा?
20 एंगस्ट्रॉम। यहां से लेकर यहां तक कुल कितना राउंड हो गया? यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्रीज हो गए। जरा याद करिए, पोल वाली सीढ़ी, एक स्टोरी से आप चले और अगले स्टोरी पहुंच गए, बताइए कितने का टर्न हो गया? 360 डिग्रीज। इसी को कहते हैं वन टर्न, इसी को कहते हैं वन हेलिक्स, वन हेलिक्स। इसी को कहते हैं वन, क्या कहते हैं, पिच, वन पिच, पिच कहते हैं। पूरे एक टर्न को क्या कहते हैं? एक पिच कहते हैं, एक टर्न कहते हैं, एक हेलिक्स कहते हैं, 360 डिग्रीज। ये बताइए ये कितनी ऊंचाई होगी? ऊंचाई से क्या मतलब है? ऊंचाई से क्या, जब आप एकदम इमेजिन करके चलिए, सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप, सीढ़ी चढ़ते गए एक स्टोरी चढ़ गए 10 फिट, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कितना आप चढ़ गए। इट इज 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। बताइए जल्दी से, बताइए डीएनए के एक पिच की लंबाई कितनी? 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर। डीएनए की पिच की लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। एक बात और बता दे, पिच मींस, पिच मींस 360 डिग्री घूम जाने को कहते हैं। 360 डिग्री घूम जाने को पिच कहते हैं। ये बताइए दोनों स्टैंड्स आपस में एंटी पैरेलल है कि को पैरेलल है? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और यह है एक बात, दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने आपको पिच बता दिया, ये बताइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डीएनए है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, छठवां न्यूक्लियोटाइड, सातवां। ये बताओ एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स एक धागे में होते होंगे? 10 होते हैं, 10। दोनों धागों को मिला ले तो कितने हो जाएंगे? 20। वैसे बताइए डीएनए का एक धागा किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। यहां से चल के एक चक्कर घूमने में एक धागे में कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 10। दोनों धागों में कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 20। मैं इसे 20 कहूं या 10 बेस पेयर्स कहूं? 10 पेयर्स कह सकते हैं और 10+10 20 न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं। इस बात को लिखना भी तो है, इस बात को लिखना भी तो है। क्या लिखोगे जल्दी से बता दोगे? Each helix is made up of 20 nucleotides or 10 nucleotides, 20 nucleotides total or 10 nucleotides per strand. बोलिए। यस सर। एक धागे में कितने? 10। टोटल कितने? 20। ऑफन कॉल्ड क्या कहोगे भाई? 10 बेस पेयर्स। ऑफन कॉल्ड, बोलो सही लिखा मैंने? बोलिए भाई। yes. एक हेलिक्स को क्या कहते हैं? 10। अच्छा एक बात बताइए, ये जितनी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं वो Z डीएनए की कि B डीएनए की?
डीएनए आप वाटसन का मॉडल पढ़ रहे हैं और वाटसन का मॉडल किसके बारे में डीएनए में ओके तो जरा इमेजिन करिए एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथा न्यूक्लियोटाइड पांचवा न्यूक्लियोटाइड क्लियर है ये कुल कितने हैं दस हैं और हाइट कितनी है 3.4 नैनोमीटर तो किन्हीं दो के बीच की हाइट बताओ 0.34 नैनोमीटर तो 3.4 नैनोमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी 0.34 नैनोमीटर जल्दी से बताओ पूरे एक टर्न की हाइट कितनी है 3.4 नैनोमीटर किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की हाइट कितनी है 0.34 नैनोमीटर कैसे निकलेंगे मोहिनी आपने कहा ये कुल 10 हैं और 3.4 की लंबाई है तो किन्हीं दो के बीच की लंबाई इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए निशा क्लियर हो रही है यस सर ठीक है तो मैं ये भी लिख दूं Yes, ये भी लिख दो yes, क्या द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बोलिए कैलकुलेट करके लिखिएगा ऐसे ना लिखिएगा कैलकुलेट करके लिखे जिससे आइंदा याद भी रहे क्या निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू दी 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10 इज इक्वल टू दी 0.34 नैनोमीटर आ गया कि नहीं जल्दी से बताइए डीएनए का डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर डीएनए की एक पिच की लंबाई कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर बोलो भाई क्लियर है यस सर यस सर तो डीएनए के बारे में आज बहुत कुछ पता चल गया यस सर ठीक है यस सर ओके है यस सर अब आगे का कार्यक्रम हम यहीं पे मंडे से शुरू करेंगे यहीं से आगे ओके यस सर मैंने कल आज इससे रिलेटेड कुछ नोट्स मैं फिर भेज दूंगा कल मैंने कुछ नोट्स भेजे हैं कुछ बच्चों को मिला होगा कुछ को नहीं मिला होगा आज फाइनली मिल जाएगा ओके यस ठीक है कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नो सर अनंत अफरा आप लोगों को एक क्लास का टाइम मिला होगा यस सर यस सर आनंद कहाँ तुम कल भागे भागे आ गए थे क्लास कल तो मैंने मना कर रखा था ईशा यस सर सिद्धार्थ ने मैसेज किया था तो मैं आ गया ईशा यस सर कल क्लास तो जूलॉजी होगी मंडे मेरी होगी यस सर चलिए तो वी विल मीट ऑन मंडे इन दिस क्लास एट 9:30 सेम आईडी सेम पासवर्ड ओके ओके सर हां हां बोलो